Hello everyone, welcome to Lingua Salts. Today we will discuss the poem The Legend of Northland by Phoebe Cary. Phoebe Cary was an American poet और ये अपनी छोटी बहन एलिस कैरी के साथ मिलके पोएम्स लिखती थी। दोनों की पोएम्स 1849 में एक साथ पब्लिश हुई थी और इन दोनों की डेथ्स के बाद एक जॉइंट एंथोलॉजी मतलब एक कंबाइंड बुक इनकी अनपब्लिश पोएम्स की भी छपी थी। साथ में फीबी विमेंस राइट्स औरतों के हक और न्याय के लिए भी लड़ती थी। The theme of the poem. The theme of the poem is the legend which is a traditional story about an old woman. तो ये एक बहुत ही पुरानी कथा है, सच है कि नहीं ये पोएट को भी नहीं पता। और ये एक कथा है an old woman, एक बूढ़ी औरत के बारे में who was cursed. Cursed का मतलब होता है श्रापित, जिसे श्राप मिला था for greed, अपने लालच के लिए, and her indifference to charity and generosity. उनसे कुछ मांगा गया, उन्होंने नहीं दिया, जिसकी वजह से उन्हें श्राप मिला। सामने वाले की परिस्थिति को नज़रअंदाज करने और अपने लालच की वजह से उनको श्राप मिला। The main idea of writing this poem was to install in the minds of the children. ये पोएम मेनली लिखी गई है बच्चों के मन में, ये एक भावना डालने के लिए, द वैल्यू ऑफ काइंडनेस, ताकि बच्चों को पता चले कि काइंडनेस दरियादिली, जेनरोसिटी दान देना, एंड चैरिटी चैरिटी भी दान देना, इररिस्पेक्टिव ऑफ हु द पर्सन इज, आपके दरवाजे पे कौन मांगने आया वो मायने नहीं रखता, वो क्या मांगने आया है अगर आपके पास वो है और आप उसे दे देते हो वो मायने रखता है। तो बच्चों के अंदर दान और दूसरों के प्रति सद्भाव की भावना के लिए ये पोएम लिखी गई है। अदरवाइज वन वुड हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, वरना हमको उस चीज़ का भुगतान करना पड़ेगा दूसरों के प्रति अगर हम अच्छी फीलिंग नहीं रखेंगे तो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द टाइटल ऑफ द पोएम। अ लेजेंड इज एन ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरी यूजुअली विद अ मॉरल टीचिंग। तो लेजेंड कोई बहुत पुरानी कहानी, ट्रेडिशनल कहानी जो दादी नानी अपने बच्चों को सिखाती हैं, वो चली आ रही है, पर उसका एक मॉरल टीचिंग होता है, नैतिक शिक्षा देने वाली कहानी होती है। तो दिस स्टोरी इज अ नैरेटिव फॉर चिल्ड्रन, ये जो पोएम के अंदर कहानी है ये बच्चों को यही नैतिकता सिखाने के लिए है। दिस पोएम इज कॉल्ड अ लेजेंड बिकॉज इट टीचेस द पर्पस एंड वैल्यू ऑफ जेनरोसिटी। इस पोएम को लेजेंड इसलिए कहा गया है क्योंकि ये पोएम भी एक नैतिक वैल्यू, जेनरोसिटी और चैरिटी हमें सिखाती है कि दान और दूसरों के प्रति दया भाव होना क्यों ज़रूरी है। ये पोएम का ये टाइटल इसी चीज़ को सार्थक करता है। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। Away, away in the Northland, where the hours of the days are few, and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. मतलब बहुत दूर पृथ्वी के दूसरे कोने पे, बहुत दूर Northland में, जहाँ दिन के घंटे बहुत कम होते हैं और रातें बहुत लंबी, इतनी लंबी रातें होती हैं कि आप उस रात भर सो ही नहीं सकते क्योंकि घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं रात में। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बेयर्स कब्स इन देयर फनी फरी क्लोथ्स। इतनी सर्दी पड़ती है वहाँ पे और इतनी स्नो होती है, इतनी बर्फ गिरती है कि पहिए वाली कोई भी गाड़ी नहीं चल सकती, तब सिर्फ स्लेजेस चलती हैं और स्लेजेस चलाने के लिए रेनडियर्स को पकड़ा जाता है, उनमें लगाम यानी हार्नेस फिट की जाती है, जैसे घोड़े की लगाम लगाई जाती है वैसे रेनडियर्स को लगाम लगाई जाती है और फिर वो स्लेज को पुल करते हैं। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बेयर कब्स, और बहुत मोटी मोटी जैकेट्स और फर वाले कपड़े पहन के
जो छोटे छोटे बच्चे सड़कों पे खेल रहे हैं वो भी बिल्कुल भालू के बच्चे जैसे लग रहे हैं, इंसान के बच्चे तो लग ही नहीं रहे क्योंकि इतने मोटे मोटे फर वाले कपड़े और टोपे, मोजे, ग्लव्स सब कुछ उन्होंने पहन रखे हैं। इन द फनी फरी क्लोथ्स, इतने मोटे मोटे कपड़ों में वो बच्चे बहुत ही फनी और बिल्कुल भालू के बच्चे जैसे लग रहे हैं। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू। तो यहाँ पे पोएट कहती हैं कि बच्चों के दादी दादा और मम्मी पापा उन बच्चों को एक क्यूरियस स्टोरी, एक अनोखी स्टोरी सुनाते हैं। मुझे नहीं पता कि वो स्टोरी सच है कि नहीं, मुझे भी सुनाई गई, मैंने भी सुनी। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन, और शायद बच्चे उससे एक सबक सीखें, जिंदगी का सबक सीखें। इफ आई टेल द टेल टू यू, अगर मैं स्टोरी तुम्हें सुनाऊं तो शायद तुम्हें भी इससे जिंदगी का एक सबक सीखने को मिलेगा। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो एंड वर्कड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो। तो एक बार की बात है जब गुड ओल्ड सेंट पीटर इस दुनिया में पृथ्वी पे रहते थे, तब जैसे कि सबको पता है कि वो पूरी पृथ्वी पे इधर उधर घूमते रहते थे और प्रीच करते थे, लोगों को सिखाते थे वर्ड्स ऑफ गॉड कि भगवान क्या कहना चाहते हैं इंसानों को। तो घूमते फिरते वो लोगों को ये सब बताते थे। ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, और घूमते घूमते वो एक छोटी सी कुटिया, एक छोटे से घर के दरवाजे तक पहुँचे। वेयर अ लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग देम ऑन द हार्थ, जहाँ एक छोटी सी बूढ़ी औरत वहाँ पे घर में रोटी सेक रही थी, ब्रेड या केक बना रही थी, रोटी सेक रही थी। एंड बेकिंग देम इन द हार्थ, हार्थ होता है भट्टी, तो वह खाना पका रही थी वो औरत। एंड बींग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, और चल चल के सेंट पीटर बहुत थक गए थे और सुबह से कुछ नहीं खाया पिया था तो उनको कमज़ोरी और चक्कर भी आ रहे थे और दिन लगभग ख़त्म होने को आ गया था। सुबह से चलते चलते शाम हो गई थी, चल रहे थे और खाया भी कुछ नहीं था। ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन, तो उन्होंने उस कुटिया पे पहुंच के उस औरत को खाना बनाते हुए, रोटी सेकते हुए देख के कहा कि हे माई, मुझे तुमने जो इतनी रोटियां बनाई हैं उसमें से एक रोटी प्लीज़ दे दो। सिर्फ एक रोटी मांगी उन्होंने। शी मेड अ वेरी लिटिल केक एंड एज इट बेकिंग ले, तो उसने एक बहुत छोटी सी लोई लेके एक बहुत छोटी सी रोटी बनाई, उसे बेला और तवे पे डाला। तो जैसे ही भट्टी में उसे डाला, उसे लगा जब वो सिक रही थी रोटी, शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे, और फिर उसने जब वो रोटी का साइज देखा तो ये सोचने लगी, मैं इनको इतनी बड़ी रोटी दूंगी, मैं तो इनको जानती भी नहीं हूँ, तो मैं इनको इतनी बड़ी रोटी क्यों दे दूँ। Therefore she needed another one and still a smaller one. तो अब उस औरत ने जितनी लोई पहले ली थी उससे और छोटी लोई ली और फिर उससे रोटी बनाई। But it looked when she turned it over as large as the first had done. लेकिन जब उसने वो रोटी बेली और उसे तवे पे डाल के पलटा, तब उसे लगा, अरे ये तो पहले जितनी ही बड़ी बन गई, मैं इतनी बड़ी रोटी थोड़ा ना दूंगी इनको। शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो एंड रोल्ड इट फ्लैट। अब उस औरत को लग रहा था कि मैं इनको रोटी कैसे दे दूं, तो अब उसने बहुत छोटी सी लोई, आधे की आधी लोई उसने ली और उसे बहुत चपटा बेला, बेलती गई बिल्कुल पापड़ जैसे। एंड बेक्ड इट थिन एज वेफर, और वो छोटी सी पतली सी रोटी तवे पे डाली और जब उसे सेकी तो वो रोटी तो नहीं बस पापड़ बन के रह गया, वेफर होता है पापड़। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, लेकिन उसका उतनी छोटी
पापड़ जैसी पतली रोटी का भी देने का दिल नहीं हुआ। उस औरत का बिल्कुल भी दिल या कलेजा नहीं था कुछ भी दान करने का। For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away, so she put them on the shelf. तो उसने अपनी रोटियां देख के कहा कि जब मैं खाने बैठती हूँ तो मुझे अपनी यही रोटियाँ कितनी छोटी छोटी लगती हैं, लेकिन जब देने की बारी आ रही है तो मुझे यही रोटियाँ कितनी बड़ी बड़ी लग रही हैं। और ये सोच के उसने जितनी रोटियाँ, पापड़ जितनी पतली और बिल्कुल छोटी सी रोटी तक उठा के अपनी शेल्फ पे रख दी, एक भी रोटी सेंट पीटर को नहीं दी। Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. तो तब Saint Peter को बहुत गुस्सा आया कि मैंने इस औरत से सिर्फ एक रोटी मांगी, तो ये इतनी देर से रोटियों पे रोटियां बनाई जा रही है, बिल्कुल छोटी छोटी पतली पतली रोटियां तक बना ली, लेकिन इसने एक भी मुझे नहीं दी। तो उनको बहुत गुस्सा आ गया क्योंकि उनको भूख लग रही थी और भूख की वजह से वो बेहाल थे और बेहोश होने वाले थे। और उस औरत के इस काम ने वाकई एकदम शांत स्वभाव वाले सेंट पीटर को तक गुस्सा दिला दिया। एंड ही सेड, यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन ह्यूमन फॉर्म, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। तब उन्होंने गुस्से में उस औरत को बोला सेंट पीटर ने कि तुम बहुत सेल्फिश हो, तुम बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो कि तुम इस एक इंसान के रूप में ह्यूमन फॉर्म में रहो, तुम इंसान कहलाने लायक ही नहीं हो, इंसान का दिल और कलेजा तुम में है ही नहीं। तुम्हारे पास भले ही छत है रहने को और खाना है खाने को और एक घर में आग जलाने की एक जगह है अपने आप को गर्म रखने को, फिर भी तुम्हारे पास दिल नाम की कोई चीज़ नहीं है। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स टू एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल द डे इन द हार्ड ड्राई वुड। और तब बहुत ज़्यादा गुस्से में आए सेंट पीटर ने उस औरत को श्राप दिया, ही कर्स दैट वुमन, और उन्होंने कहा कि तुम इंसान कहलाने लायक तो हो ही नहीं और अब से तुम इंसान नहीं, तुम एक चिड़िया बन के रहोगी, और जैसे इंसानों के पास पर्याप्त खाना होता है, तुम्हें अब अपना पूरा खाना दिन भर, स्कैंटी फूड थोड़ा सा खाना दिन भर ढूंढना पड़ेगा बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, अपनी चोंच से पेड़ के तने, कठोर तने को फोड़ फोड़ के तुम उसमें से खाना ढूंढोगी, पूरा दिन बोर करती रहोगी, छेद करती रहोगी पेड़ के तनों में, पूरा दिन उस सूखी लकड़ी में ठक 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 करती रहोगी। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी नेवर स्पीकिंग अ वर्ड एंड आउट ऑफ टॉप फ्लू अ वुड पेकर फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड। और तब सेंट पीटर के श्राप ने असर किया और वो औरत को श्राप मिला कि वो कठफोड़वा वुड पेकर बन जाए। तो चिमनी के, उसके घर के चिमनी से बिना कुछ बोले, क्योंकि अब वो चिड़िया बन चुकी थी, तो वो चिमनी के रास्ते ऊपर आते हुए और चिमनी के ऊपर से जब निकली तो वो एक चिड़िया थी, एक वुड पेकर, एक कठफोड़वा थी जो दिन भर लकड़ी फोड़ता रहता है। For she was changed to a bird, और अब वो इंसान से बर्ड बन चुकी थी। She had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burnt black as a coal in the flame. जब वो चिड़िया उस चिमनी से बाहर निकली तो उस औरत ने जो लाल कपड़े की टोपी सिर पे पहनी थी, उस चिड़िया के सिर पे भी वैसी ही एक लाल टोपी, यानी उसके सिर के बाल लाल थे, लेकिन जो उस औरत ने कपड़े पहने थे वो चिमनी से निकलने में जल गए और जो कालिक लगी थी उससे पूरे काले हो गए। तो इसलिए कठफोड़वा पूरी काली होती है और उसके सिर के कुछ बाल कुछ लाल होते हैं क्योंकि उस औरत ने लाल टोपी लगाई थी। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड,
where she lives in the trees till this very day, boring and boring for food. तो हर कंट्री स्कूल बॉय यानी आसपास रहने वाले हर बच्चे ने, स्कूल जाने वाले हर बच्चे ने उस औरत को किसी पेड़ पर बैठे हुए देखा है. वो आज भी है, उन्हीं पेड़ों के बीच में रहती है, उसी जगह रहती है नॉर्थलैंड में, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड. और अपने खाने के लिए दिन भर पेड़ के तने में अपनी चोंच से ठक 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 करती रहती है, क्योंकि उसके पास इतना भी कलेजा नहीं था कि वो सेंट पीटर को एक छोटी सी रोटी दे पाती. उसकी सज़ा वो भुगत रही थी. फिगर्स ऑफ स्पीच. पहली फिगर ऑफ स्पीच है एजोनेंस, जिसमें ए अ का रिपीटेशन है अवे अवे. दूसरा है कॉन्सोनेंट, जिसमें एस का रिपीटेशन है स्विफ्ट स्लेज स्नो एक ही लाइन में. एल्यूजन, सेंट पीटर एक हिस्टोरिकल या एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पूजे जाते हैं, उनका इसमें रेफरेंस है. फिर यहाँ पे सिमिली फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है, द चिल्ड्रन लुक लाइक बेयर कप्स या फिर ब्लैक एज कोल. रेपिटेशन है, बोरिंग वर्ड कई बार एक ही लाइन में है, बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग. और लास्ट है पर्सोनिफिकेशन, पिटीज कॉल, पिटी को एक इंसान के तौर पे बोला गया है. फिगर्स ऑफ स्पीच को अच्छे से समझने के लिए हमारा वीडियो फिगर्स ऑफ स्पीच को रेफर कर सकते हैं आप. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस.